नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, पिछली क्लास में हमने आपको वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को हल करवाया था। आज आइए हम लोग वर्गमूल में ही आगे बढ़ते हैं। क्रमागत वर्गमूल यानी कि रूट के अंदर में रूट, उसके अंदर रूट, क्रमागत वर्गमूल। चलिए, क्रमागत वर्गमूल से हमारा आशय है, इससे देखिए रूट अंडर एट इंटू रूट अंडर एट इंटू रूट अंडर एट इंटू रूट अंडर एट, इसे हम कह सकते हैं या कहेंगे क्रमागत वर्गमूल। यानी एक वर्गमूल के अंदर फिर वर्गमूल, फिर उस वर्गमूल के अंदर फिर से वर्गमूल, यानी लगातार वर्गमूल का यहां प्रयोग हो, रूट का प्रयोग हो, उसे हम क्रमागत वर्गमूल कहेंगे। ऐसे प्रश्नों को हम हल कैसे करेंगे आज की क्लास में हम आपको ये बताएंगे। चलिए देखते हैं, हमारे पास ये संख्या क्या है? ये संख्या आठ है, हम आठ को लिख देंगे। उसके बाद रूट की संख्या कितनी है इसे हमें गिन लेना है। तो एक दो तीन चार, चार रूट की संख्या। और ये क्या वर्गमूल है? वर्गमूल यहां पर कुछ नहीं है, यानी इसका तात्पर्य यह है कि हर जगह टू है, हर जगह टू है। वर्गमूल इसलिए कहा जाता है, थ्री रहता तो घनमूल होता, दो है इसलिए वर्गमूल है। आइए अब क्या करना है, चार बार वर्गमूल है, चार बार, तो दो पर पावर चार, ठीक है। सबसे पहले हमें इसे हल कर लेना है, दो पर पावर चार यानी आठ के पावर में दो पर पावर चार, ठीक है। आइए तो हम हल इसको करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, आठ पर पावर दो, आठ पर पावर दो पर पावर चार है, तो सबसे पहले हमें इसे हल करना है, इसे दो पर पावर चार को, तो दो पर पावर चार हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोलह, सोलह। अब क्या है, ये हमारा सोलह अंश, ये सोलह हमारा हर हो जाएगा, ये जो सोलह हमारा निकला ये हर हो जाएगा, इससे एक कम, इससे एक कम हमारा अंश होगा, इससे एक कम हमारा अंश होगा। हम या तो फिर ऐसे भी कह सकते हैं, अगर इसको पी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, उसके क्या है टू दी पावर एन, देखिए क्या हुआ, P पर पावर 2 दी पावर n माइनस 1 बटा में 2 पर पावर n, यही हुआ। n क्या है, वर्गमूल की संख्या, रूट की संख्या, तो रूट की संख्या यहां पर देखिए कितना है, एक दो तीन चार, तो 2 पर पावर 4 लिया हमने, 2 पर पावर 4 है ना, 2 पर पावर n, तो हमने सबसे पहले आसानी से हल करने के लिए, हम उतना झमेला इस फॉर्मूला को याद रखने का हमें झंझट रखना ही नहीं है, हमें ये फॉर्मूला को दिमाग में रखना ही नहीं है, सीधा देख लेना है संख्या क्या है, आठ है, संख्या क्या आठ है। उसके बाद रूटों की संख्या कितनी है, रूटों की संख्या कितनी है, चार है, एक दो तीन चार, तो दो पर यहां क्या है, ये रूट है, वर्गमूल है, इसलिए दो हो गया पावर में, और दो पर पावर चार, सबसे पहले इन दोनों को हल कर लेंगे, तो दो पर पावर चार का हल होता है सोलह। अब क्या करना है, अब क्या करना है, रूट से हमको बाहर लाना है ना, हमको रूट से बाहर लाना है, वर्गमूल निकालना है, तो इस सोलह से एक कम, इस सोलह से एक कम इसका अंश बन जाएगा, इसका अंश बन जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा आठ टू दी पावर पंद्रह बटा सोलह। कितना आसान है, कहीं कोई झमेला नहीं है, एकदम थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, आपको भारी लग रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए आपको एकदम इजी लगेगा, एकदम इजी लगेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। चलिए रूट की संख्या हम घटा देते हैं, रूट की संख्या हम घटा देते हैं तो और आपको आसानी से हल समझ में आएगा। चलिए रूट की संख्या कितना है, एक दो और तीन, संख्या मेरे पास क्या है, सात, सात, रूट की संख्या तीन, तो दो पर पावर तीन, ठीक है। अब क्या है, इसको हल कर लेंगे, सात पर पावर क्या आ जाएगा, दो पर पावर तीन, आठ, इससे एक कम इसका अंश बच जाए, बन जाएगा, इससे एक कम इसका अंश, तो सात पर पावर सात बटा आठ आंसर हो जाएगा। चलिए एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, देखिए कहीं कोई परेशानी नहीं होगा आपको, कोई समझने में
अगर तनिक भी समस्या बुझाए कमेंट कीजिए, आपको बताइए कहां समझ में नहीं आ रहा है, हम फिर से आपको ये वीडियो बना के दिखाएंगे और आपको समझाएंगे। चलिए चलिए देखिए, बड़ा संख्या लिए, बड़ा संख्या आपको लग रहा होगा कि छोटा छोटा संख्या लेके हल करने के लिए बोल रहे हैं सर, बड़ा संख्या आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। यहां पर जो संख्या है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मैंने हर एक चैप्टर में आपको कहा है, जितना भी क्लास मैंने लिया है सब में कहा है, संख्या से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद संख्या कुछ भी हो, अंक कुछ भी हो, आपको हल तुरंत हो जाएगा आपसे, ठीक है। सिर्फ कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। चलिए रूट की संख्या कितनी है, एक दो तीन, तीन रूट है। अब करना क्या है, 135 दो इसके पावर में क्या हो जाएगा, दो, दो कहां से आया, इस रूट से दो आया, अब इस दो पर पावर हो जाएगा जितना रूट का संख्या है, एक दो तीन, तीन। अब क्या इसको हल करेंगे, 135 पावर में आठ, और क्या करना है, इससे एक कम अंश इसका बना देना है, यानी कि 135 पर पावर सात बटा आठ, 135 पर पावर सात बटा आठ, एकदम आसानी से हल हो जाएगा। देखिए ये छोटा संख्या में लिया, ये छोटा संख्या लिया, ये बड़ा संख्या लिया, कहीं कोई डिफरेंस लग रहा है आपको, संख्या जो है वो एज इट इज रह गया, पावर का खेल है, पावर देखिए सेम रह गया, पावर भी सेम रह गया, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, संख्या कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए और एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। रूट अंदर 13, उसके अंदर भी रूट 13, उसके भी अंदर रूट 13, उसके भी अंदर रूट 13, उसके भी अंदर रूट 13। चलिए अब कितना रूट का संख्या कितना होगा, एक दो तीन चार पांच, रूट का संख्या पांच। अब चलिए हम डायरेक्ट हल करेंगे, डायरेक्ट हल करेंगे, उतना लंबा नहीं खींचना हमको, संख्या क्या है हमारे पास 13, 13 पावर में क्या हो जाएगा, दो, पावर में दो, तो दो पर पावर क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार पांच, दो पर पांच, पावर पांच कितना हो गया, दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह दुना बत्तीस, बत्तीस, दो पर पावर पांच, बत्तीस। मैंने क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में, क्या होता है जो संख्या है उसको रहने देना है, उसके पावर पर क्या हो जाएगा, दो, दो का पावर कितना हो जाएगा, जितना रूट का संख्या है, तो दो पर पावर रूट का संख्या, तो दो रूट का संख्या पांच, दो पर पावर पांच, बत्तीस, बत्तीस। अब इससे एक कम इसका अंश, इससे एक कम इसका अंश, आंसर हो गया 13 पर पावर 31 बटा 32। चलिए कहीं कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एक और टाइप देखते हैं इसमें, कर्मागत वर्गमूल में एक और टाइप देखते हैं हम लोग। रूट 12, रूट 12, रूट 12, और यही क्रिया जो है इंफिनिटी तक चलेगा, अनंत तक चलेगा। वहां पर पिछले क्वेश्चन में पिछला टाइप था, उसमें सीमा था, वर्गमूल की संख्या थी, कितना वर्गमूल है, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन, यहां पर कोई संख्या नहीं है, ये क्रम जो है अनंत तक चलते रहेगा। रूट 12 के अंदर में रूट 12, अंदर रूट 12, ये क्रम इंफिनिटी तक चलते रहेगा, ठीक है। तो जो इंफिनिटी तक चलते रहेगा, कोई सीमा नहीं है, तो इसमें आंसर हमारा ये संख्या खुद हो जाएगा, ये संख्या 12 हमारा आंसर खुद हो जाएगा। यहां पर कहीं कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है, इसमें पेन पेपर भी, ऐसे प्रश्नों में पेन उठाने की आवश्यकता भी नहीं है, पेपर पर हमको लिखना भी नहीं कुछ है, देखते साथ, अरे इनटू में है सारा, इंफिनिटी तक है, आंसर हमारा ये संख्या खुद हो जाएगा, ये संख्या हमारा आंसर खुद हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होना, कोई भी संख्या रह ले यहां पर, कोई भी संख्या रह ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमारा जो यहां पर संख्या होगा वही होगा। और एक चीज,
यहां पर देखिए एक दो तीन रूट के बाद इंफिनिटी तक गए, एक दो तीन चार रूट के बाद इंफिनिटी तक गए। ऐसा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन में अगर दोनों टाइप से आ जाए तो यहां तो चार वर्गमूल है, चार रूट है, उसके बाद इंफिनिटी तक का कहा गया है, यहां तीन के बाद ही नहीं, ये कहा जा रहा है कि ये क्रम दोहराता जाएगा अनंत तक, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये दोनों प्रश्न सेम है, यहाँ एक रूट की संख्या हम घटा के डायरेक्ट इंफिनिटी तक लिख सकते थे, इसलिए आंसर हमारा वही होगा जो यहाँ पर 12 था, 12 हो गया, यहाँ पर 129 है तो हमारा आंसर 129 भी होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा। चलिए अगला देखते हैं, लोग अगला टाइप देखते हैं। चार पांच टाइप है ऐसे जिसको कि आप अगर ध्यान में रख लीजिएगा तो फिर आपको ऐसे प्रश्नों में कभी कठिनाई नहीं होगा, और एक प्रश्न तो इससे आना ही आना है, एक प्रश्न तो इससे आना ही आना है, हर एक एग्जाम्स में मैथ्स के क्वेश्चन में ऐसे एक प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए बारह प्लस बारह प्लस बारह, ये क्रिया अनंत तक, यानी कि रूट अंडर बारह प्लस रूट अंडर बारह प्लस रूट अंडर बारह, यानी ये क्रिया रेगुलर अनंत तक चलता रहे, तो फिर हमें इसे हल कैसे करना है। देखिए यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है, इस प्लस के बाद रूट के बाहर में कुछ नहीं तो क्या है, दो कुछ नहीं है तो एक है, एक है कुछ नहीं है तो एक है, कुछ नहीं है तो एक है, ठीक है। तो आइए हमें इस 12 को ऐसा गुणनखंडन करना है कि उसका डिफरेंस जो है एक आ जाए, तो चार गुना तीन 12 आ रहा है और दोनों का अंतर एक, दोनों का अंतर एक आ रहा है, तो हमारा आंसर यहां पर क्या होगा, यहां पर प्लस का निशान है, यहां पर प्लस का निशान है, तो ज्यादा बड़ा वाला जो है वही हमारा आंसर होगा, जो ज्यादा बड़ा वाला है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और यही अगर यहां माइनस में रहता, यहां पर अगर माइनस रहता तो ये छोटा वाला तीन हमारा आंसर होता। चलिए दिखाते हैं अगला क्वेश्चन में, बयालीस अनंत तक, ये क्रिया अनंत तक चलता रहेगा, रूट अंडर बयालीस माइनस रूट अंडर बयालीस माइनस रूट अंडर बयालीस, तो ये क्रिया अनंत तक चलता रहेगा, एक वर्गमूल के अंदर, एक रूट के अंदर दूसरा रूट, दूसरे रूट के अंदर तीसरा रूट, ये अनंत तक क्रिया चलती रहे, इसीलिए हमने इसे कहा क्रमागत वर्गमूल, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, यहां पर इसमें क्या कहा मैंने कि यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, एक है ये गुना में एक है ये वर्गमूल, इसको नहीं हम कह रहे हैं यहां पर दो जो है, इसके पहले एक है कुछ नहीं तो एक है गुना में, इस बारह के गुना में कुछ नहीं है तो एक है, तो चलिए इसको हमें ऐसा गुणनखंडन करना है कि दोनों का अंतर जो है एक आए, तो सात गुना छ बयालीस और दोनों का डिफरेंस जो है एक, दोनों का डिफरेंस एक आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर निशान हमको देखना है क्या है, निशान हमारा माइनस में है, निशान हमारा माइनस में है तो इसलिए छोटा वाला आंसर हो जाएगा, छोटा वाला हमारा आंसर हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, आपको ऐसे में पेन और पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं है, आप क्वेश्चन देखते साथ ही आप हल कर दीजिएगा, सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में रखना है, करना क्या है, गुणनखंड ऐसा करना है कि दोनों का डिफरेंस यहां पर कुछ नहीं है गुना में बार रूट बारह का तो एक है, तो इस एक गुणनखंड ऐसा करना है कि दोनों को गुना करने के बाद बारह आ जाए और दोनों का अंतर एक हो, उसके बाद यहां निशान क्या है प्लस का है, तो प्लस का है तो बड़ा वाला जो होगा वो आंसर होगा, अगर यहां माइनस का है तो माइनस में छोटा वाला आंसर होगा। आइए और आगे देखते हैं, देखिए आपके मन में प्रश्न होगा कि अगर प्लस के बाद अगर दो आ जाए, उसके बाद रूट तिरसठ, प्लस के बाद दो आ जाए उसके बाद रूट तिरसठ,
इन्फिनिटिव, यानी कि यहां पर जब प्लस का यहां दो निशान हो, इसके गुना में दो हो, इसके गुना में दो हो, इस त्रेसर के गुना में दो हो, इस त्रेसर के गुना में दो हो, तो हमें करना क्या है? जब ऐसा प्रश्न आएगा हमारे पास, इस टाइप का प्रश्न आएगा, तो इसमें हमें करना क्या है? तो देखिए यहां पर दो है, तो इस त्रेसर का ऐसा गुणनखंडन करना है कि दोनों का अंतर जो है दो हो। तो देखिए 9 × 7 21 × 3 भी होता है, 21 × 3 भी होता है, लेकिन हमें अंतर क्या लाना है? 21 × 3 करेंगे, 21 × 3 करेंगे तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, जो कि हमको नहीं करना है। चलिए, जो कि हमको नहीं करना है, तो दोनों का अंतर जो है दो होना चाहिए, तो 9 × 7 = 63, दोनों का अंतर जो है दो आ गया है, और दोनों का गुना 63। अब क्या है हमारे पास? यहां निशान प्लस का है, ये निशान प्लस का है, तो ज्यादा वाला आंसर, आंसर जो है जो इसे बड़ा वाला संख्या है वो हो जाएगा। अगर यहां माइनस में होता, अगर यहां माइनस में होता तो कम वाला जो है हमारा आंसर होता। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए √99 − 2 × √99 − 2 × √99, यानी ये क्रम अनंत तक चलता रहे, ये क्रम जो है अनंत तक चलता रहे तो क्या होगा आंसर? तो फिर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चलिए क्या सेम ऐसा ही है, अंतर क्या हो गया? यहां प्लस का निशान था या माइनस का निशान था? तो देखिए हमारा डिफरेंस दो होना चाहिए, 11 × 9 दोनों का गुणनफल 99, दोनों का डिफरेंस 9। अब यहां निशान माइनस का है, निशान माइनस का है तो आंसर कम वाला, आंसर जो है छोटा वाला संख्या जो है वही हो जाएगा। अगर यहां प्लस का निशान होता तो आंसर बड़ा वाला संख्या होता। चलिए आगे देखते हैं, चलिए अगला लेते हैं। √84 + √84 + √84 ……। तक चलिए अगर ऐसा हो, अब देखिए पहले एक पता है यहां पर होगा, दो होगा, तो यहां पर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पर कौन सा संख्या इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि इसको जब हम फ्रैक्शन करेंगे, जब इसका गुणनखंडन करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो उसका अंतर जो है यहां पर का संख्या आना चाहिए, यहां पर जो संख्या है वही उसका फैक्टराइजेशन का, गुणनखंड का जो अंतर है वही आना चाहिए। अब देखिए इसका गुणनखंड हम क्या कर सकते हैं, 21 × 4 = 42 × 2 = 42 × 84 × 1, उसके बाद 12 × 7। अब देखिए इसमें से इन दोनों का अगर अंतर करते हैं तो हमारे पास आता है 17, इन दोनों का अंतर करते हैं तो हमारे पास आता है 40, इन दोनों का अंतर करते हैं तो हमारे पास आता है 83, इन दोनों का अंतर करते हैं तो हमारे पास आता है 5। देखिए दोनों का गुणनखंड, दोनों को गुणा करने के बाद ये 84 ही प्राप्त होगा, क्योंकि हमने गुणनखंडन किया, इसका गुणनखंड किया, इसको तोड़ा है हमने, तो गुणा करने के बाद तो इतना ही प्राप्त होगा, लेकिन इसका अंतर जो है दोनों संख्या जो हम तोड़ के लाए हैं उसका अंतर ये 5 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए, इसको तोड़ देना ही काफी नहीं है, इसका डिफरेंस ऐसा लेना चाहिए कि उसका डिफरेंस जो है 5 आ जाए, यानी यहां पर भी संख्या हो, यहां पर अगर 7 होता तो 7 आना चाहिए, यहां 17 होता अंतर तो 17 होना चाहिए, अगर यहां 40 होता तो ये 40 होता,
ये वाला लेते, तो यहां पर का संख्या जो है इसको देखना है कि यहां पर क्या है, उसी के अनुसार इसको फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो यहां पर क्या है, पांच है, और पांच किसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है 12 × 7 = 84, डिफरेंस का पांच है। तो अब देखिए यहां पर निशान क्या है, प्लस का निशान है, यहां पर प्लस का निशान है, तो ज्यादा जो अब संख्या जो बड़ा संख्या है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा जो है 12 हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा संख्या है, 12 हमारा बड़ा संख्या है। यही अगर यहाँ पर माइनस का निशान होता तो ये छोटा वाला 7 हमारा आंसर हो जाता। ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं कि एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी प्रकार के, किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन हो, इसमें ऐसे क्वेश्चन एकदम से पूछे जाते हैं, जरूर पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे प्रश्न होते ही होते हैं। अतः आप इस चैप्टर को गौर से देखें, ध्यान से देखें और इस पर अध्ययन करें, किसी भी बुक से कहीं से भी क्वेश्चन लाएं और हल करें, और अगर नहीं होता हो तो हमें आप बताएं, कमेंट करें, हम आपको उसका वीडियो देंगे। चलिए, आप लोगों का हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगली क्लासों में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, अभ्यास कराएंगे, जिसमें वर्ग और वर्गमूल दोनों से रिलेटेड होंगे, वर्ग और वर्गमूल दोनों से रिलेटेड प्रश्न होंगे, जो कि एक साथ हम करवाएंगे, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ सके। जो एग्जाम में पैटर्न होता है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वैसे क्वेश्चनों को हम आपके सामने लाएंगे। चलिए, धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा।